मनल कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल उज्ज्वल होती इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न क्लास ट्वेल्थ चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एन्युअल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन लेट एस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन हुज रिटर्न ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट किसने लिखा ए सुसेन हिल बी विलियम सिदने सी सलमान रस्ती डी चेतन भगत बिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुसैन हिल इज द ऑथर ऑफ दिस टॉपिक नेक्स्ट व्हाट इज द प्ले फीचरिंग व्हाट इज दिस प्ले फीचरिंग यानी कि ये जो प्ले है वो क्या दिखाता है क्या इसका स्वरूप है An old ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन old मैंस गार्डन एक बूढ़ा व्यक्ति और एक छोटा लड़का इन ओल्ड मैंस गार्डन जो बूढ़े व्यक्ति के बगीचे में मीटिंग करता है मिलता है बी गसिप ऑफ ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति की गपशप, ओल्ड मैंस बोझ बूढ़े व्यक्ति का दुख ब्रेव एक्ट्स ऑफ स्मॉल बॉय वीरता के कार्य छोटे लड़के के बिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति एंड ए स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का मीटिंग इन ओल्ड मैं गार्डन जो बूढ़े व्यक्ति के बगीचे में मिलता है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट नेक्स्ट हु इज मिस्टर लैम मिस्टर लैम इज द मेन करेक्टर इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस प्ले ए यंग मैन बी मिडिल एज्ड मैन सी एन ओल्ड मैन डी नन ऑप्शन सी इज करेक्ट एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन हु हैज ए गार्डन एंड ही लिव्स इन हिज गार्डन वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस टॉपिक नेक्स्ट व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ यहाँ पर एक मीनिंग है विक्टिम ऑफ शिकार होना यानी कि क्या घटित है डेरी और मिस्टर लैम जो मेन करेक्टर हैं इस टॉपिक के डेरी इज ए बॉय एंड मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन ए विजन एम्पायरमेंट फिजिकल इम्पायरमेंट वार नन यानी कि उसमें विजन एम्पायरमेंट है फिजिकल इम्पायरमेंट है वार है या नन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फिजिकल इम्पायरमेंट क्योंकि दोनों शारीरिक अपंगता रखते हैं एक का चेहरा बिगड़ा हुआ है और दूसरे की एक टांग डैमेज है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट दोनों की शारीरिक अपंगता है नेक्स्ट वाइट इिट मिस्टर लैम्प हेल्प डेरी। मिस्टर लैम्प डेरी की कैसे सहायता करता है बिकॉज बोथ पर विक्टिम ऑफ पार क्योंकि दोनों किसी युद्ध से युद्ध के शिकार हैं विक्टिम ऑफ मीन शिकार होना क्योंकि दोनों किसी युद्ध के शिकार हैं बोथ पर सेट दोनों दुखी हैं बोथ पर विक्टिम ऑफ फिजिकल एम्पायरमेंट दोनों शारीरिक अपंगताओं से पीड़ित हैं बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ क्योंकि वह डेरी को क्योंकि ही बांटे डेरी वो चाहता है कि डेरी अपने व्यू को जीवन के बदले विच ऑप्शन इज करेक्ट मिस्टर लैम्प हेल्प डेरी बिकॉज ही वांटेड डेरी क्योंकि वह डेरी से चाहता है जो छोटा लड़का है उससे चाहता है टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ कि वह अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है नकारात्मकता है उसको बदले और पॉजिटिव वे में रहे नेक्स्ट हु इज डेयरी डेरी कौन है ए बॉय ऑफ फोर्टीन एंड हैच एसिड वर्ंट ऑन हीज फेस एक चौदह वर्ष की आयु का लड़का है जिसका चेहरा एसिड के कारण जल गया है स्मॉल बॉय छोटा लड़का ए बॉय ए यंग बॉय तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इट इज सुटेबल बिकॉज ए बॉय ऑफ फोर्टीन चौदह वर्ष का लड़का हैच एसिड वर्नट जो उसका चेहरा है वो तेजाब से जला गया है जिसके कारण उसको वो छुपाता है सो so नहीं कर पाता क्योंकि वो उपहास का कारण लगता है लोग उसका उपहास करेंगे सो ऑप्शन ए विल भी करेक्ट ऐसी शारीरिक अपंगता उसमें है यूनिटी यूनिटीज व्हाट यूनिटीज क्या एकता मिस्टर लैम एंड डेरी यानी कि मिस्टर लैम और डेरी में क्या यूनिटीज हैं देयर एज देयर बोज देयर लाइफ स्टोरीज देयर फिजिकल एम्पायरमेंट क्योंकि उनमें जो फिजिकल एम्पायरमेंट है शारीरिक अपंगता है दोनों में अक्षमता है वो समान रूप से है सो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट देयर फिजिकल एपायरमेंट नेक्स्ट हाउ डज मिस्टर लेम कीप हिमसेल्फ पिजी मिस्टर लेम जो ओल्ड मैन है बूढ़ा व्यक्ति है जिसका अपना गार्डन है वो गार्डन में रहता है तो वो कैसे बिजी रखता है अपने आप को बाय रीडिंग बुक्स किताबें पढ़कर कर चैटिंग विद पीपल लोगों से लोग बातचीत करके बाय पुलिंग डाउन द राइट क्रैब एप्पल्स ऑफ ऑफिस गार्डन अपने बगीचे के जो पके हुए फल हैं उनको पुल डाउन करके ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी बाय रीडिंग बुक्स मिस्टर लेम किताब भी पढ़ता है चैटिंग भी करता है पीपल से और पुलिंग डाउन करता है राइट क्रैप एप्पल्स को जो उसके गार्डन में है सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट वाई डिड डेरी गो टू द मिस्टर लैम्प्स गार्डन जो डेरी है वो मिस्टर लैम्प के बगीचे में क्यों जाता है टू स्टील एप्पल टू स्पीक टू मिस्टर लेम्प टू हेल्प द ओल्ड मैन टू फील दैट प्लेस उस स्थान को महसूस करने के लिए बिच ऑप्शन इज करेक्ट यानी ये कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि टू स्टील एप्पल्स ये उसका चोरी का कोई इरादा नहीं है टू स्पीक मिस्टर लेम्प्स मिस्टर लेम्प्स को उसने देखा नहीं बातें नहीं कर सकता टू हेल्प द ओल्ड मैन टू ओल्ड मैन से बातें करना चूँकि स्ट्रेंज है न्यू है अभी टू फील दैट प्लेस उस स्थान को महसूस करने के लिए वो उस बगीचे में जाता है ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन जो डेरी है फोर्टीन ईयर्स ओल्ड यंग बॉय वो कैसे मिस्टर लैम के बगीचे में प्रवेश करता है फ्रॉम द फ्रंट गेट सामने के द्वार से फ्रॉम द साइड गेट साइड के द्वार से फ्रॉम बैक गेट पिछले द्वार से वाई क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल जो दीवार है बगीचे की उस पर क्लाइंब करके सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन जो मिस्टर लैम है जिसका बगीचा है बूढ़ा व्यक्ति है तो वो अपने बगीचे का जो गेट है उसको ओपन डोर जो है उसको ओपन क्यों रखता है ऑप्शन ए टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन ताकि वह अपने बगीचे पर दृष्टि रख सकें टू बी सेफ सुरक्षित रह सके टू चैट द पीपल एंड चिल्ड्रन हु कम दे टू टाक फ्रूट्स टू टेक फ्रूट्स यानी कि उन लोगों से बच्चों से बात कर सके चैट कर सके जो वहाँ फल लेने के लिए आते हैं ऑप्शन डी नन ऑप्शन सी विल भी करेक्ट टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम दे आर टू टेक फ्रूट यानी कि उन बच्चों से लोगों से बात कर सके जो वहाँ पर फल लेने के लिए आते हैं सो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट नेक्स्ट चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्प लैमी लैम्प जो बच्चे हैं मिस्टर लैम्प को लेमी लैम्प क्यों पुकारते हैं बिकॉज ही स्टॉप्ड देम फ्रॉम टेकिंग एप्पल ही स्पोक रडली लाइक हिम बिकॉज हीज ब्रोकन लेग इज बोम एक्सप्लोइंज यानी कि बोम एक्सप्लोजन से बम बिस्फोट से उसकी जो टांग है वो टूटी हुई है विच ऑप्शन इज करक्ट बिकॉज ही स्टॉप्ड दैम फ्रॉम टेकिंग एप्पल क्योंकि बच्चों को उसने फल लेने से रोक दिया ही स्पॉक रूडली वह अशिष्टता से बातें करता है इनकर दे डिडन्ट लाइक दैम हिम वे उसको पसंद नहीं करते इनकर चैट भी करता है बच्चों से सो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग क्योंकि जो उसकी टांग टूटी है वो किसी बॉम एक्सप्लोजन में टूटी है बॉम विस्फोट में टूटी है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई डिडेंट मिस्टर लेम फील हर्ट वाई चिल्ड्रंस कमेंट्स जो बच्चों के कमेंट्स हैं टिप्पणी हैं तो मिस्टर लेम फील हर्ट क्यों करता है

उसमें क्या उगता है चेरी पीज पॉमग्रेनेट एप्पल्स ऑप्शन डी इज करेक्ट एप्पल्स और ये पूरे टॉपिक में ये फ्रूट एप्पल्स आता है यहाँ पर नेक्स्ट हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स मिस्टर लैम फलों को कैसे उठाता है बेंडिंग डाउन नीचे झुककर कर विद द हेल्प ऑफ हिस सर्वेंट अपने सेवक की सहायता से विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की सहायता से यूजिंग ए लेडर एंड ए स्टिक एक सी और एक स्टिक का प्रयोग करके बिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट अदर ऑप्शन आर इन करेक्ट बैंडिंग डाउन नीचे नहीं झुकता हेल्प हि सर्वेंट अपनी सहायता नौकरों की नहीं लेता हेल्प ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की सहायता नहीं लेता सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बाई यूजिंग लेडर एंड ए स्टिक नेक्स्ट हाउ डिड मिस्टर लैम्प यूज द एप्पल्स जो मिस्टर लैम्प है वो कैसे एप्पल का उपयोग करता है मेड जैम चटनी बनाकर पिकल बनाकर अचार बनाकर मनी अर्नड अर्नेड मनी धन कमाकर टू यूज टू ही यूज टू मेक जेली विद देम उनकी जेली तैयार करके उनको जेली में करके ऑप्शन डी इज करेक्ट ही यूज टू मेक जेली विद नेक्स्ट वाइट इट डेरी गो टू मिस्टर लैम्प एट द एंड जो डेरी है मिस्टर लैम्प के पास अंततः क्यों गया बिकॉज ऑफ हिज विच टू लिव ए फ्री लाइफ ही वॉन्टेड एप्पल्स ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए विल बी करेक्ट बिकॉज हीज बिस टू लिव ए फ्री लाइफ क्योंकि वो चाहता था कि उसका जो जीवन है वो फ्री लाइफ हो यानी कि फ्री लाइफ जीवन जीना चाहता था नेक्स्ट वाई डिट डेरी इज मदर हिम, डेरी की माता ने उसको क्यों रोका टू स्टे विद द लैम्प कि वो लैम के साथ क्या करे ठहरे टू स्टे विद लेम के साथ रहे क्यों उसकी माँ ने उसको रोका बिकॉज ही वॉज़ नॉट बेल क्योंकि वह ठीक नहीं था बिकॉज ही वुड स्कॉल्ड हिम क्योंकि ने, उसने उसको डांट दिया होगा बिकॉज ही टाक टू मच क्योंकि वह अधिक बातें करता था बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट हिम टू स्टे विद ए स्ट्रेंजर क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी अजनबी के साथ रुके क्योंकि जो मिस्टर लैम था उसके लिए अजनबी था बिकॉज ही डिडन्ट वांट हिम टू स्टे विद ए स्ट्रेंजर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट वाई डी डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लेम डेरी ने अपना डर मिस्टर लेम के साथ क्यों शेयर की अपनी भावनाएं अपना डर क्यों बांटा बिकॉज ही हैड ए गार्डन बिकॉज ही हैड ओल्ड बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वाज फ्रेंडली नन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम क्योंकि जो मिस्टर लेम था उसने डेरी को समझा एंड वाज फ्रेंडली और उसके बाद उसके साथ मित्रवत हो गया नेक्स्ट हाउ डिड मिस्टर लैम्प हेल्प डेरी मिस्टर लैम्प बूढ़े व्यक्ति ने उस डेरी जो फोर्टीन ईयर्स ओल्ड लड़का है उसकी सहायता कैसे की बाय गिविंग हिम एप्पल्स उसको सेब देकर इनकरेक्ट सेब तो चाहिए नहीं थे वाई ट्रैकिंग टू हिम उससे बातें करके वाई हेल्पिंग हिज मदर उसकी माता की सहायता करके बाई गिविंग हे पॉजिटिव लुक टू वर्ड्स हिस्स लाइफ उसके जीवन को एक सकारात्मक विचार देकर ऑप्शन डी विल भी करेक्ट बाई गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक आउटलुक दृष्टिकोण उसके जीवन में एक सकारात्मक भाव देकर अदर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी विल भी करेक्ट नेक्स्ट वाई डिड मिस्टर लेम कॉल डेरी विलेस्ड मिस्टर लेम ने डेरी को ब्लेस्ड क्यों कहा क्यों पुकारा ब्लेस्ड बिकॉज ही वॉज यंग बिकॉज ही हैड ए मदर बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स बिकॉज एस्पेक्ट ए व्रंट फेस ही हैड परफेक्टली हेल्दी बॉडी उसको सुखी इसलिए कहा ईश्वर इस का साथ उसके साथ है उसका ईश्वर पर आशीर्वाद है इसलिए कहा क्योंकि उसके चेहरे के सिवाय एक्सेप्ट उसके चेहरे जरे जले हुए चेहरे के सिवाय जो पूरा शरीर था वो परफेक्टली हेल्दी था यानी कि चल सकता था देख सकता था सुन सकता था लेकिन वन साइड उसका फेस एसिड वर्न था तो यदि उस चेहरे की वन साइड को छोड़ दो तो पूरा शरीर हेल्दी था इसलिए उसने डेरी को ब्लेस्ट कहा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट विच स्टोरी डिड मिस्टर लेम नेरेट टू डेरी डेरी से मिस्टर लेम ने बूढ़े व्यक्ति ने क्या स्टोरी नैरेट की नैरेट मीस वर्णन करना है सिंड्रला स्नोमैन डॉर्फेन ब्यूटी ऑफ द बीस्ट बीच स्टोरी ऑप्शन डी इज करक द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। नेक्स्ट वट काइंडस्टर लैम्प है किस प्रकार का बगीचा मिस्टर लैम्प रखता था चेरी प्लम पीच एप्पल गार्डन ही हैड एप्पल गार्डन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन डी विल बी करक्ट एप्पल गार्डन नेक्स्ट वट वॉज मिस्टर लैम्प हाउस भीयर वाच वेयर वाज मिस्टर लैम्प हाउस लैम्प्स का जो घर था वो कहाँ था ऑन द टारी ऑन द रोड ऑन ए स्ट्रीट इन साइड द गार्डन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन साइड द गार्डन यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति मिस्टर लैम्प था वो एक बगीचे के अंदर रहता था और वो बगीचा एप्पल्स का था नेक्स्ट हाउ डिड टेरी वर्न हिज फेस जो डेरी जिसके कारण उसे शारीरिक अपंगता का एहसास होता था उसका चेहरा कैसे जला इन्हे फायर एक अग्नि में बीते गैस स्टोव गैस स्टोव से हॉट वाटर गर्म पानी से थ्री ऑप्शन आर इन करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट एसिड वर्नट हिच फेस उसका चेहरा तेजाब से जला था नेक्स्ट हाउ डिड डेरी वर्न हिच फेस एसिड बंट सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाई इवन इन इंस्पाइट ऑफ फिजिकल डिसबिलिटी यानि कि शारीरिक अक्षमता के बाद मिस्टर लैम डिड नॉट फील लोनली यानी कि मिस्टर लैम जो बूढ़ा व्यक्ति था इन साइड गार्डन रहता था उसको एकांत एक महसूस नहीं होता था बिकॉज ही वाजबीजी बिकॉज ही हैड ए गार्डन ही एड सर्वेंट बिकॉज ही नेवर लेट हिम टू बी अलोन एंड कीप हिम सेल्फ ऑप्शन D is correct because he never let him to be alone. क्योंकि उसने अपने आप को कभी अकेले नहीं रहने दिया and keep himself busy और अपने आप को busy रखता था reading books, chatting children, chatting people, gathering apples. ये सारी चीजें activity उसकी अपने inside बगीचे में चलती रहती थी. So option D is correct. Next. Why did Mr. Lamb keep the door of his गार्डन ओपन जो मिस्टर लैम्प था उसने अपने बगीचे का जो डोर था वो ओपन क्यों रखा ऑप्शन ए टू लेट द एप्पल कम लोगों को अंदर आने के लिए टू गेट फ्रेश एयर ताजी हवा पाने के लिए टू वाइट ओपनिंग द गेट यानी कि खुले हुए गेट को अवॉइड करने अगेन एंड अगेन दो बार 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 टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एंजॉय ऑप्शन सी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू टॉपिक टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट उसका जो आउटर वर्ल्ड है यानी कि बगीचे से बाहर का जो जगत है उससे कॉन्टैक्ट रखने के लिए और अपने जीवन में उसका एन्जॉयमेंट लेने के लिए उसने ऐसा कार्य किया कि उसने अपने दरवाजे बगीचे के ओपन रखे ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वट डिट टेरी डेवलप हिज इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों डेरी ने विकसित कर लिया था अपने अंदर इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स हीनता की भावना उसके अंदर हीनता की भावना क्यों आ गई थी जब वन साइड उसका चेहरा एसिड वर्ंट हुआ ही डिड नॉट हैव ए बिग हाउस उसके पास एक बड़ा घर नहीं था ये मन में रहता था ही हिटिड हैव मच मनी उसके पास अधिक धन नहीं था बिकॉज हिज वर्नट फेस क्योंकि उसका चेहरा जला था नन इनमें से कोई नहीं बीच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट वन साइड ऑफ हिज फेस है ऑप्शन लाइक टू बी अलोन डेरी अकेले रहना पसंद क्यों करता था बिकॉज ऑफ हिज वर्न फेस अपने चले चेहरे के कारण बिकॉज ही कुडेंट पियर विद पीपल्स कमेंट क्योंकि लोगों की जो रिमार्क थी व्यंग थे उसको नहीं सह सका सहन कर सका बिकॉज ऑफ इच इंफेरेटिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसके अंदर एक इन्फरिटिक कॉम्प्लेक्स था हिंता की भावना घर कर गई थी ऑल ऑफ दीज सो ऑप्शन डी इज करेक्ट चेहरा जला था ये करेक्ट बात थी लोगों के कमेंट उससे सह नहीं जाते थे ये भी सही थी इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स घर कर गई थी उसके मन में सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट हाउ द मीटिंग विद मिस्टर लैम बीकेम ए टर्निंग पॉइंट फॉर द डेरी, डेरी के साथ जो लैम की मीटिंग थी मिलना जुलना था वो एक उसके जीवन का टर्निंग पड़ाव इम्पोर्टेंट पड़ाव क्यों बन गया था महत्वपूर्ण बिंदु क्यों बन गया था ए ही एनकरेज डेरी टू फ्रेंड टू बी फ्रेंड विद एवरी वन एंड नोट टू बोधर्ड वाई देयर कमेंट्स क्योंकि वह बार बार एनकरेज करता था ये ईश्वर ई छुटा हुआ है ही एनकरेज क्योंकि वह डेरी को प्रोत्साहित करता था कि वो टू बी फ्रेंड मित्र बने प्रत्येक व्यक्ति का और लोगों के कमेंट की चिंता न करे ही टोट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली उसने कहा कि प्रत्येक चीज को वो सकारात्मक देखे ही taught हिम टू एडमायर एवरी थिंग प्रति एक छोटी से छोटी खुशी की प्रशंसा करें ऑल ऑफ दीज सो ऑप्शन को बताई नेक्स्ट वट डि डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल डेरी ने फेरी टेल से क्या सीखा हाउ टू लुक ब्यूटीफुल सुंदर कैसे देखा जाता है हाउ टू मेक फ्रेंड्स मित्र कैसे बनाए जाते हैं लर्न टू लव एप्रीशिएट हिमसेल्फ कि कैसे सीखें हम अपने आप को अप्रिसट और प्रेम कैसे करें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज ये सब उसने सीखा नेक्स्ट हाउ वज मिस्टर लैम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसएबिलिटी यानी कि अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बाद भी अपंगताओं के बाद भी मिस्टर लैम्प ने अपने आप को कैसे खुश रखा बिकॉज ऑफ हिज अक्सेप्टेंस ऑफ इट बिकॉज ही वॉज वाइज बिकॉज ही हैड ग्रोन ओल्ड ऑल ऑफ दीच यानी कि वो समझता था अपने अक्सेप्टेंस को यानी कि उसके अंदर एक पॉजिटिव थाट्स हमेशा रहता था वह बुद्धिमान था अपने विचारों का सही उपयोग करता था बिकॉज ही हैड ग्रोन ओल्ड वह बूढ़ा हो गया था यह भी उसके मन में बात थी सो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट ऑल ऑफ दि डेरी ऑलवेज फाइंड ए वेकेंट प्लेस टू लिव यानी कि डेरी हमेशा क्यों चाहता था कि वो एक खाली स्थान पर रहे ई लाइक टू बी अलोन क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था वाज सेक्रेड ऑफ प्यूपल लोगों से अलग पसंद करता था इनफियरिटी कॉम्प्लेक्स एज ही हैड वर्ल्ड फेस और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर इसलिए हो गई थी क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज यानी कि वो अकेला रहना पसंद करता था ही वाज स्केर्ड ऑफ पीपल लोगों से अलग भागना चाहता था इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसके जले चेहरे के कारण उसमें थी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई वाज डेरी स्टार्टेड एंटरिंग द गार्डन डेरी ने गार्डन में एंट्री करना क्यों जारी रखा क्यों स्टार्टेड किया बिकॉज ऑफ़ ट्रीज पेड़ों के कारण बिकॉज ऑफ़ एप्पल फलों के कारण सेबों के कारण ही एक्सपेक्टेड वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम क्योंकि उसके अंदर एक विचार आया कि केवल उसको जो मिस्टर लैम्ब है उस मित्रवत बता सकते हैं उसकी भावना को समझ सकते हैं उसने ऐसी आशा की और मिस्टर लैम के पास फ्रेंडशिप उसने कर ली नेक्स्ट वाट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफर फ्रॉम यानी कि किस प्रकार की हीनता डेरी के मन में घर कर गई सुपरियरिटी श्रेष्ठता की इनकरेक्ट ओबिस ओबिपस इनकरेक्ट इनफेरियरिटी हीनता की ऑप्शन सी इज करेक्ट हीनता की भावना उसके मन में घर कर गई ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई डिड मिस्टर लैम्प नॉट हैव करते इन हिज हाउस मिस्टर लैम अपने घर में कोई भी कर्टेन पर्दा नहीं रखते थे क्यों इट इज डिफिकल्ट टू वॉश इसको धोना कठिन था टू एक्सपेंसिव अत्यधिक महंगा था एक्सपेंसिव महंगा कॉस्टली बिकॉज ही वांटेड विजिटर इन हिज हाउस क्योंकि वह चाहते थे कि विजिटर उनके घर में आए कोई उनको रोक टोक न हो ऑप्शन डी नन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज ही वांटेड विजिटर्स इन हिज house next what did mr lamp tell about himself mr jo lamp hai usne apne bare mein kya bataya he had a tin leg ki uski jo tang hai wo tin ki bani hai still he was happy phir bhi vah khush hai he never mind even if children teased him वह तब भी कभी भी परेशान नहीं होता कभी mind नहीं करता उस बात को यदपि बच्चे उसको tease करते जाएं, चिढ़ा भी जाए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी विल भी करेक्ट यानी कि मिस्टर जो लैम्प थे उसने अपने आप से कहा अपने आप को कहा कि उसकी जो टांग है वो टिन की बनी है फिर भी वह खुश है बच्चों के टीज करने के कारण भी उसको वो नेवर माइंड करता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट बट स्पेसिफिक थिंग अबाउट मिस्टर लैम्प डज देरी नोटिस यानी कि जो मिस्टर लैम थे उनके बारे ने, बारे में क्या स्पेसिफिक विशेष बात डेरी ने नोटिस की देखी ए मैन ऑफ फिल्म रिजोल्यूशन एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ रिजोल्यूशन का हो दृढ़ निश्चयी हो ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डी फिमोटेशन हैड ए पॉजिटिव आउटलुक ऑल ऑफ दीज ऑप्शन टी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज यानी कि बहुत सारी शारीरिक अपंगता थी फिर भी वो खुश रहता था पॉजिटिव आउटलुक रखता था और एक फ्रीम रिजोल्यूशन रखता था तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इस सब के बाद भी वो हैप्पी था नेक्स्ट सेकंड लास्ट इनवर्ट सेंस फ्रेंडशिप बिटवीन लैम्प एंड डेरी वाज फ्रूटफुल यानी कि किन अर्थों में जो फ्रेंडशिप थी डेरी की और लैम्प की वो एक लाभदायक थी ही गेव हिम फ्रूट टू ईट उसने उसको खाने के लिए फल दिए हिज मैच्योरिटी दोनों वयस्क थे बोथ वर गुड कंपिनियन दोनों अच्छे साथी थे एंड लैम्प मैच्योर एक्सपीरियंस और लैम्प का जो मैच्योर वयस्क अनुभव था एंड वट्स सब थे हेल्प डेरी टू हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट यानी कि दोनों मित्र बन गए थे कंपेनियन हो गए थे और जो लैम्प्स का मैच्योर एक्सपीरियंस था वयक्स अनुभव था उसके जो शब्द थे डेरी को ये सहायता करते थे कि वह अपने जीवन में पॉजिटिव बने सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट व्हाट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो व्हाट ड्राज डेरी टू लैम्प यानी किस प्रकार राज के डेरी ने लैम्प की प्रति हिज अपियरेंस उसकी प्रतीति थी हिज ग्रिप्स उसका दुख हिज पॉजिटिव आउटलुक ऑल ऑफ दीज हिज पॉजिटिव आउटलुक जो लैम्प की थी वो डेरी को बहुत अधिक पसंद थी हिज पॉजिटिव आउटलुक और इसी पॉजिटिव आउटलुक के कारण दोनों में फ्रेंडशिप हुई और दोनों लंबे समय चैटिंग करते थे और खुश रहते थे और एक तरह से जो लैम्प्स था उसमें भी शारीरिक अपंगता थी डेयरी में भी शारीरिक अपंगता थी एक की लेग टिन की थी दूसरे का वन साइड फेस एसिड वन था यानी कि दोनों के अंदर एच समानताएं थी शारीरिक एच क्षमताएँ थी फिर भी बार बार मिस्टर लैम खुश रहता था और पॉजिटिव थॉट्स देता था डेयरी को ताकि वह अपने जीवन में पॉजिटिव पॉजिटिविटी ला सके और एक एनकरेजमेंट उसको करता था स्टूडेंट्स इस प्रकार फोर्टी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी फॉर बोर्ड एग्जाम हमने अपने इसमें सॉल्व किए आई होप दीज विल भी यूजफुल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन सो लाइक वीडियो शेयर वीडियो वीडियो इज यूजफुल सब्सक्राइब माई चैनल